अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फरहान यूसुफ एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि हमने अपना जो लास्ट सेशन किया था उसके अंदर हम बेंजीन के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। हम इस वक्त हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 15 है हमारी इस सीरीज का, जो कि हम MDCAT केमिस्ट्री के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी कि हाइड्रोकार्बन जो है ये हमारा जो पार्ट टू की जो बुक हमारे पास है उसमें चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन इसी हाइड्रोकार्बन की ही बेसिक नीव, जो आप कहने के टाइटल हमारे पास है या चैप्टर नीव है, इसी के अंदर ही हम बेंजीन की डिस्कशन भी करेंगे, बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बेंजीन की रिएक्शंस की बात करेंगे, बेंजीन के बिहेवियर की बात करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि चूंकि UHS जो सिलेबस हमें प्रोवाइड करता है हमें उसको फॉलो करना होता है। तो UHS के सिलेबस के अंदर जो तमाम की तमाम डिस्कशन है अबाउट हाइड्रोकार्बन मीन्स के द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें बेंजीन भी इटसेल्फ आ जाएगा, तो वो हम तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन की ही जो आप कह रहे हैं टर्म है या कह रहे टाइटल है उसके नीचे हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो हम इस वक्त बेंजीन के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने जब अपना लास्ट सेशन कंप्लीट किया था उसमें हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर्स जो पॉसिबल हो सकते हैं बेंजीन के हवाले से उनको देखा था और उनके वो डिफेक्ट्स देखे थे जिसकी बेस पर हमने उनको रिजेक्ट किया था। तो अब इससे ऑनवर्ड मैं आपके सामने सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो कि केकुल स्ट्रक्चर है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि केकुल ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो स्ट्रक्चर क्या था और उसके बाद केकुल के स्ट्रक्चर के अंदर वो कौन से डिफेक्ट्स हैं कि जिसके बाद हमें एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ गया जिसको हम मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की बात करते हैं और आज के टॉपिक की बात करते हैं तो केकुल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा टॉपिक है जो कि हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं केकुल स्ट्रक्चर की तो केकुल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था बेंजीन के हवाले से। हम ये बात जानते हैं कि जब बेंजीन जो है डिस्कवर हुआ था जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम कोल तारी कोक से हमने जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, रिसोर्सेज में कोल सोर्स है हमारा, ठीक है, इससे हमने केकुल सॉरी बेंजीन को जो है एक्सट्रैक्ट किया था। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास रहा कि हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से कोई खास प्रेडिक्शन नहीं दे सके, बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम डिफाइन नहीं कर सके, आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि क्या स्ट्रक्चर हमारे पास बेंजीन का होगा। तो उससे रेलेवेंट फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस की थी जिसमें हमारे पास सेकंड वन आता है केकुल स्ट्रक्चर। तो अगर हम केकुल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं और उसके बाद इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कि जो केकुल ने अपने स्ट्रक्चर को डिफेंड करने के लिए दिए थे वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इसे कुछ डिफेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं केकुल के बजाय एक और नया स्ट्रक्चर जो है प्रपोज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू केकुल स्ट्रक्चर क्या था। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास था। इसको थोड़ा सा और अगर हम नीलिंग क्लीन कर लें क्योंकि हमने इसके अंदर डिफेक्ट्स भी पढ़ने हैं और उस डिफेक्ट्स में आप जो मेजर पॉइंट्स पढ़ेंगे वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या मेजर पॉइंट्स थे कि जो डिफेक्ट्स के तौर पे हमारे पास आए थे। तो ये हमारे पास बेसिकली केकुल ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ केकुल कहलाता है, ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं केकुल के स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले हम वो पॉइंट्स देखेंगे कि जो केकुल ने अपने इस स्ट्रक्चर को डिफेंड करने के लिए एक्सप्लेन किए थे। सबसे पहला पॉइंट जो उसने एक्सप्लेन किया था जो कि डिफेक्ट था हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर का एक मेजर डिफेक्ट था वो ये था, हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर हम क्या करते हैं किसी भी यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें कि हमने देखा था डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है हमारे पास उस ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर, हम ये बात देख रहे थे कि वहां पर उस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा कार्बन भी था कि जो एक ही वक्त में दो हाइड्रोजन कैरी कर रहा था और जब भी कोई एक कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एक ही वक्त में कैरी करता है तो हमने कहा था कि फिर ये कार्बन एटम एक ही वक्त में दो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है
और ऐसा मुमकिन नहीं है. हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट भी तो आप ये चीज प्रूव है कि बेंजीन जो है किसी भी कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं बेंजीन के अंदर, तो वो एक वक्त में सिर्फ सिंगल एक ही रिप्लेसमेंट यानी सब्स्टिट्यूशन कर सकती है. तो ये बात उसने यहाँ पर शो की थी कि देखें तमाम के तमाम कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल एक एक हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं. तो ये चूंकि एक एक हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं तो हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि तमाम के तमाम कार्बन एटम्स के ऊपर सिंगल वन सब्स्टिट्यूशन एक ही वक्त में हो सकती है. ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए, केकुल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए केकुल ने अपने कहने के ओपिनियन दिया था कि केकुल का स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास क्या था, ईच कार्बन एटम कैन शो सिंगल सब्स्टिट्यूशन यानी हम सिंपल ये बात कह रहे हैं, जैसे हम ये बात देख भी रहे हैं, ये बात एविडेंट भी है स्ट्रक्चर के साथ के हर एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में सिर्फ एक ही एटम जो है सब्स्टिट्यूट हो सकता है. ठीक है, तो ये बात अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के केकुल ने जो है एक्सप्लेन की थी फर्स्ट ये बात. सेकंड बात, हमने ये बात देखी थी कि हम जब ये बात डिस्कस कर रहे थे डिफेक्ट्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने ये बात देखी थी कि हम जब ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास चार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड थे कि हम उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें. तो चूंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए चार मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड थे, तो ये मेजर डिफेक्ट था ओपन चेन स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये बात एविडेंट थी कि सिर्फ तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं बेंजीन को अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए. तो अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और केकुल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन पाई बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं. इन तीन पाई बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपको थ्री ही सिग्मा बॉन्ड्स रिक्वायर हैं. ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो कि केकुल ने अपने स्ट्रक्चर के बारे से एक्सप्लेन की थी जो कि बहुत वैलिड है, ठीक है, वो यही है कि जो एक्सपेरिमेंटली तो आपने हमने देखा था कि हाइड्रोजनेशन पर्पस हो या हेलोजनेशन पर्पस हो जिसमें कि हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो जस्ट थ्री मॉलिक्यूल्स रिक्वायर हैं बेंजीन को एक सैचुरेटेड कंपाउंड यानी साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट करने के लिए. तो ये सेकंड पॉइंट है इसका. तो हम सिंपल कह सकते हैं जस्ट ओनली थ्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स require to convert benzene into saturated compound. तो हम सिंपल ये बात देख भी रहे हैं कि हमारे पास इस स्ट्रक्चर के थ्रू भी ये बात एक्सप्लेन हो रही है कि जस्ट तीन ही के हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं, इन तीन पाई बॉन्ड्स को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ तीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही रिक्वायर हैं, और ये बात केकुल ने अपने स्ट्रक्चर को डिफेंड करते हुए एक्सप्लेन की थी. इसी तरीके से वो ये बात भी कहते हैं कि ना सिर्फ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन पर्पस के लिए तीन मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं, अगर हम हेलोजिनेशन करवाएंगे इस कंपाउंड की तो हेलोजिनेशन के पर्पस के लिए भी हमें सिर्फ थ्री ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर होंगे, हम चाहे क्लोरिनेशन करवाएं चाहे ब्रोमिनेशन करवाएं या आयोडिनेशन करवाएं, तो थ्री ही मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होंगे. हम इस तरीके से इसके आप कह रहे रिएक्शन को भी राइट कर सकते हैं Cl2, और आफ्टर रिएक्शन आप ये देखेंगे कि साइक्लोहेक्सीन बनेगा और तमाम के तमाम हाइड्रोजन एटम यानी कार्बन एटम जो है वो क्लोरीन एटम गेट करेंगे. इस तरीके से ये रिएक्शन है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ थ्री ही मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड थे हैलोजन्स के, और इसके थ्रू हमने क्या किया है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है. तो ये हमारे पास केकुल स्ट्रक्चर के हवाले से हमने कुछ डिस्कशन की है. हमने मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि जो अपने स्ट्रक्चर को उसने एक्सप्लेन करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को डिफेंड करने के लिए कि ये ठीक स्ट्रक्चर है उसने डिस्कस किए थे. अब इसके साथ हम ये देखते हैं कि देखें हमारे पास ये तो तमाम के तमाम वो पॉइंट्स हैं कि जो केकुल ने अपने स्ट्रक्चर को डिफेंड करने के लिए एक्सप्लेन किए थे यानी बताए थे. ठीक है, अब हम यहाँ पर इससे ऑनवर्ड देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सरे एनालिसिस हुए थे, देखें हम ये बात जानते हैं
कि जैसे हमने एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस किया हुआ है, हमने जब अपना पहला चैप्टर पढ़ा था पार्ट वन बुक के अंदर, उसमें पहला ही जो पेज है उसमें एविडेंस ऑफ एटम के हवाले से उसमें डिस्कस किया हुआ है, और उसमें आपने ये बात क्लियरली पढ़ी थी कि हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, एटम नजर नहीं आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, एज सच उस तरीके से एटम जो है हमें नहीं दिखा, ठीक है। तो हमने एटम को देखने के लिए हमने किया ये था कि हमने फिर एक्सरे एनालिसिस जो है परफॉर्म किए थे, एक्सरे के थ्रू जो है एटम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो सेम वे के अंदर हम अगर चाहते हैं कि बेंजीन का एग्जैक्ट हम जो है स्ट्रक्चर देख सकें, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सरे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो उस एक्सरे एनालिसिस से हमें क्या चीज वाजे हुई थी, क्या इन्फॉर्मेशन हमें गेट हुई थी, मैं वो डिस्कस करने लगा हूं, और उसी की बेस पर फिर मैं डिफेक्ट्स ऑफ केकुल स्ट्रक्चर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे और वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ एंगल को डिस्कस करेंगे, एक्सरे जो आप एनालिसिस लेकर आए थे उसके थ्रू, तो वो हम पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसकी बेस पर हम डिफेक्ट्स ऑफ केकुल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं एक्सरे एनालिसिस की, तो जैसे हम ये बात जानते हैं कि हुआ ये कि हमने बेंजीन जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमने एक्सरे को एक्सपोज करवाया था इसके ऊपर, ठीक है। जब हमने एक्सरे को इसके ऊपर डाला था तो उसके थ्रू हमें तीन जो पॉइंट्स हैं वो हमने गेट किए थे, इंफॉर्मेशन हमने गेट की थी। सबसे पहला हमारे पास ये था, द बॉन्ड एंगल इज उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो तमाम के तमाम कौन से होंगे, 120 होंगे। और ये बात यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि तमाम के तमाम बॉन्ड लेंथ्स यानी बॉन्ड एंगल्स जो है वो एग्जैक्टली 120 के इक्वल है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने गेट की थी थ्रू एक्सरे एनालिसिस, ठीक है। जो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमने गेट की थी वो क्या थी, वो था हमारे पास बॉन्ड लेंथ के हवाले से। हमने एक बात कही थी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.397 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इट इज द बॉन्ड कहने के डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बिटवीन कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनेगा इसके दरमियान बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये हमारे पास है 1.397 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि जो हमने गेट की थी थ्रू एक्सरे एनालिसिस, ठीक है। और जो थर्ड मेजर पॉइंट हमने इसके थ्रू गेट किया था, एक्सरे एनालिसिस के थ्रू गेट किया था, वो क्या था हमारे पास, CH bond, यानी CH bond मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा, क्योंकि देखिए हम ये बात देख रहे हैं कि इस बेंजीन के अंदर ना सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा बल्कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर उसने बताई है, मतलब एक्सरे को हमने जो गेट की है, वो हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ इज अराउंड 0.97 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तीन मेजर पॉइंट्स हमने गेट किए, थ्री मेजर आप कह रहे इंफॉर्मेशन हमने गेट की है थ्रू एक्सरे एनालिसिस ऑफ बेंजीन। अब इसके अगर हम देखें तो इसमें एक बात हमारे लिए जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कास्ट कर रही है कि जो केकुले ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये चीज वाजे नजर आ रही है कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लार्जर है। इस तरीके से हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि जो केकुले ने अपना स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उस स्ट्रक्चर के अंदर हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि तमाम के तमाम बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं थी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं, हमने ये बात डिस्कस भी की हुई है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लार्जर होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे स्मॉलर होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉलर होती है, ठीक है। तो इसी बेस पर जो केकुले ने स्ट्रक्चर अपना प्रपोज किया था, जो स्ट्रक्चर उसने ड्रॉ किया था, उसमें हमारे पास एक चीज आ रही है, वो ये कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के दरमियान उसने मेजर डिफरेंस रखा था बॉन्ड लेंथ के हवाले से। और अगर हम बात करते हैं जो हमारा एक्सरे एनालिसिस के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन गेट हुई है, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के हवाले से, बॉन्ड लेंथ के हवाले से,
उसमें हम देखेंगे तमाम के तमाम बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, जो कि इक्वल टू 1.397 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेजर डिफेक्ट है बेंजीन के स्ट्रक्चर के हवाले से जो केकुल ने हमें प्रपोज किया था, उसमें हम ये बात कहते हैं कि केकुल ने हमें कहा था कि चूंकि सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजिशन के ऊपर आएंगे, तो सिंगल और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। और लेकिन अगर हम एक्सेल एनालिसिस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं उसके थ्रू हम अगर देखते हैं, तो उसमें हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास तमाम के तमाम बॉन्ड लेंथ, चाहे वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हो या डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हो, दे आर ऑल इक्वल और ये 1.397 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेजर डिफेक्ट है, मैं तो डिफेक्ट राइट कर दूं यहां पर, ये डिफेक्ट के हवाले से मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। और इसमें मैं पहला पॉइंट कह रहा हूं आपसे, द बॉन्ड लेंथ इन केकुल स्ट्रक्चर आर नॉट इक्वल बट एक्सपेरिमेंटली अगर आपको ये चीज वाज़ह नजर नहीं आई तो मैं इसको ऊपर राइट कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप आसानी से जो है इसे आप देख सको। तो मेरे ख्याल से मैं ये पॉइंट ऊपर राइट कर देता हूं ताकि आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकूं, कि आपसे पहले भी कहा हुआ है कि जो पॉइंट भी यहाँ डिस्कस मैं करता हूँ वो हाई इंपॉर्टेंट होता है, वो कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है और उसको जहन भी रखना है, अपने अपने साथ नोट डाउन भी इसको करना है। तो ये पॉइंट मैं क्लैरिफाई करने के लिए इसको ऊपर ऐड कर देता हूं ताकि आपको समझ भी है और आप उसे नोट डाउन भी कर सको। तो ये तीन पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, फर्स्ट ये कि बॉन्ड एंगल हमारे पास बेंजीन में एग्जैक्टली 120 के इक्वल होता है, दूसरा हमने कहा कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो एग्जैक्टली 1.397 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसके मुताबिक अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि तमाम के तमाम एंगल जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ वो इक्वल होती है, वो 1.397 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। और थर्ड जो पॉइंट हमने गेट किया था वो एक्सरे एनालिसिस, वो ये था कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो अराउंड 0.97, ठीक है, इसके अराउंड होती है, ठीक हो गया। तो ये मैं रेज कर रहा हूं पॉइंट और इसके बिहाफ पर अब मैं यहां डिफेक्ट्स राइट करूंगा ताकि आप लोग इन तमाम चीजों को नोट डाउन कर सकें। तो फर्दर आगे चलते हैं और हम चूंकि डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो डिफेक्ट्स में पहला पॉइंट मैं ये मेंशन कर रहा हूं कि द बॉन्ड लेंथ इन केकुल स्ट्रक्चर आर नॉट इक्वल बट एक्सपेरिमेंटली दे आर इक्वल। एक्सपेरिमेंटली हमने जो चीज देखी है उसमें हम ये बात कह रहे हैं कि तमाम के तमाम बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, और स्ट्रक्चर को देखते हुए हम ये बात कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लार्जर होती है, जो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर देख रहे हैं, ठीक हो गया। सेकंड जो हमारे पास मेजर डिफेक्ट है वो यही है, जैसे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए इटसेल्फ केकुले ने भी ये बात डिस्कस की थी कि हम हाइड्रोजिनेशन भी करते हैं, हम हैलोजिनेशन भी करते हैं, ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी करते हैं बेंजीन में और एडिशन ऑफ यानी क्लोरीन ब्रोमीन आदि मींस के हैलोजिनेशन यानी हैलोजन्स भी कर सकते हैं, ठीक है, एट ऑर्डिनरी कंडीशन। तो अगर हम एडिशन कर सकते हैं तो उसका सिंपली मतलब यही होता है कि हम ये बात कह रहे हैं और ये बात एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि बेंजीन जो है हमारे पास वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। जब भी हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड मोस्ट प्रोबेबली तौर पे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एज सच परफॉर्म नहीं करवाते, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन मोस्टली तौर पर ऐसा करता है कि ये अपने अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है
है एडिशन रिएक्शंस जो है एज सच इतने ज्यादा एफिशिएंटली तौर पे नहीं करवाता ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी. हमने अभी डिस्कस नहीं करना है, स्टेबिलिटी को डिस्कस भी हम करेंगे तो हम ये बात कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंटली ये बात देखते हैं कि बेंजीन के जो मेजर रिएक्शंस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं. एडिशन रिएक्शंस जो है वो मोस्टली तौर पे एडिशन इस तरीके से नहीं करवाता, कुछ कंडीशन रिक्वायर करता है. तो ये बात भी जो है केकुल स्ट्रक्चर के थोड़ा सा अगेंस्ट आती है कि जिसमें उसने कहा था कि जब उसने बातों को एक्सप्लेन किया था, अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था, उसमें उसने ये देखा था, उसने एक्सप्लेन किया था ठीक है कि हाइड्रोजिनेशन भी होती है, हैलोजिनेशन भी होती है, मींस के ये एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करवाता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली तौर पे ठीक है. लेकिन एक्चुअली तौर पे एक्सपेरिमेंटली हम ये बात देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ज्यादा परफॉर्म करवाएगा तो ये हमारे पास इसका एक सेकंड इफेक्ट हो सकता है ठीक है. तो सेकंड इफेक्ट हमारे पास क्या है, बेंजीन शो एडिशन रिएक्शंस, या हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू केकुल द बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड, ये भी हमारे पास कह सकते हैं हम उसको. अकॉर्डिंग टू केकुल बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड but experiments show अब मैं इससे ऊपर की लाइन जो है वो मेंशन कर देता हूं ताकि आपको नजर आ सके. तो but experiments show यहां राइट कर रहा हूं मैं that benzene show substitution reaction. तो ये हमारे पास दो मेजर डिफेक्ट्स हैं कि जिसके बेस पर हम केकुल के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं और एक नया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक्सप्लेन करते हैं जिसको हम मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहते हैं. तो उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स यानी ये तमाम जो डिस्कशन हमने की है ये आपके लिए फ्रूटफुल होगी, आपने इससे मुतालिक बहुत सी चीजें देखी होंगी ठीक है, और ये तमाम पॉइंट्स आपने नोट डाउन भी किए होंगे और ये आपके जहन में रहेंगे क्योंकि अगर इससे रेलिवेंट कोई एमसीक्यू आता है तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्सेप्ट होगा, टॉपिक वाइज कोई कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा तभी आप उस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं और उस एमसीक्यू को जल्दी से उसके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. तो उम्मीद करता हूं कि तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे. इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आपका बनता है अगर आप ये देखते हैं कि कोई पॉइंट नहीं समझ आया, क्लियर नहीं हो सका, तो लाइव चैटिंग के अंदर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. सेकेंडली जब ये वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी या फिर आप लाइव सेशन नहीं देख रहे हैं, आप बाद में ये सेशन देखते हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर होगा तो उसके अंदर आप फिर जो है कमेंट सेशन के अंदर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका आंसर करूंगा. और एमसीक्यूज की एक्सरसाइजेस के लिए लिंक ऑलरेडी यहां मौजूद है, आप उसको ओपन करें, उनके जो एक्सरसाइज अंदर मौजूद है एमसीक्यूज की उसको सॉल्व करें. आपको किसी भी एमसीक्यू के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे आप डिस्कस करेंगे, मैं उसके वाले से आपको गाइड भी करूंगा और आपको बताऊंगा समझाऊंगा भी कि एमसीक्यू आपको क्या कहना चाह रहा है और उसके थ्रू आप यानी क्या गेट कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड कर रहा है. तो मैं कहता हूं कि तमाम के पॉइंट्स आपने गेट किए होंगे. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे जाना चाहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ एक नए टॉपिक डिस्कस करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.